पुलिस से अपनी बात मनवाने के लिए व्यक्ति चढ़ा मोबाइल टावर पर, पुलिस ने और घर वालों ने समझा बुझाकर उतार लिया है। गोला गोकर्णनाथ नगर के मोहल्ला मुन्नूगंज में सभासद अचल अवस्थी, जिनके पिता के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी, उनके हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं होने से क्षुब्ध होकर अचल अवस्थी आज सुबह पड़ोस के टावर पर चढ़ गया। मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार शाम 7 से 8 बजे सिनेमा रोड पर उसके पिता से हुई मारपीट में उसका मुकदमा पुलिस नहीं दर्ज कर रही थी, इसलिए वह मोबाइल टावर पर चढ़कर अपनी बात मनवाना चाहता था। सूचना पाकर गोला कोतवाल अरविंद कुमार पांडे दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर वह व्यक्ति मोबाइल टावर पर चढ़ा हुआ था और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। युवक पुलिस से हमलावरों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कर रहा था। पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज हो चुका है और शीघ्र गिरफ्तारी करा ली जाएगी। फिलहाल पुलिस ने अचल अवस्थी को आश्वासन देकर नीचे उतार लिया है। आरोपी पर नीचे आ जा, उसके बारे में बात करो। ये मामला 7 फरवरी का है और 7 फरवरी को चार लोग मिलके मेरे पिताजी पे पीछे से प्रहार करते हैं, ईंटों से, पत्थरों से। और मैं पांडे जी के पास रात में, मेरे साथ मोंटी भैया भी गए रात में अपनी गाड़ी से, मेरे पिताजी को अस्पताल में एडमिट कराया, जिसके साथ एडमिट थे, लेकिन पांडे जी ने कहा इसका एक्सरा होना है। तो हमने कहा ठीक है, रात में नहीं होगा, सुबह कराएंगे। सुबह कुछ पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो इधर उधर भागते रहे, तो एक्सरा की रिपोर्ट हमको यहाँ से इन्होंने कांस्टेबल नहीं भेजे लखीमपुर के लिए, तो उनका कल भी एक्सरा नहीं हो पाया। और मैं कल थाने पहुंचा 12 बजे, मैं कहा छोटा साहब मैं पिताजी को लेके जा रहा हूं लखीमपुर, आप भेज दीजिए। उन्होंने तब भी नहीं भेजा, इसी कारण मुझे चढ़ना पड़ा। अब क्या हुआ है, अब कैसे एसोसिएशन? अब मुझे अंकुश हमारे विधायक जी ने हमको दे दिया, हमारे बड़े पापा समझ लीजिए इनको, जो भी है इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि कार्रवाई होगी, तुरंत गिरफ्तार कराए गए हैं और मैं इनकी बात पे नीचे आया हूँ। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या मालूम था आपको कि एफआईआर पहले दर्ज हो चुकी है कल शाम? नहीं, मुझे नहीं मालूम था, मुझे तो अभी अवगत कराया गया जब मैं ऊपर की कल रात में 9 बजे हुई, कल तक कोई नहीं दर्ज हुई थी, मुझे तो अभी कराई गई है। घटना ये हुई, हमारे पापा बैंक में थे, वो ड्यूटी से आ रहे थे और हमने फोन किया उनके पास कि हमारे दोनों बच्चे यही है कि डायपर ला लेना, तो पापा वहाँ से आ रहे थे, वहीं उतर गए सेमर रोड के पास उतर गए। उन्होंने कहा कि ठीक बेटा हम ला रहे हैं, तो फिर वहीं पे कुछ हमला 8:30 बजे के बीच में जो भी हुआ है हुआ है। तो टावर पे क्यों चढ़े आके? ये टावर इसलिए चढ़ा है क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई हमारी। प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया था? बिल्कुल, 3 दिन पहले था। नहीं, 3 दिन तक जो है इंतजार करते रहे, आज जब ये टावर पर चढ़े हैं तब कार्रवाई हुई। किन किन लोगों के खिलाफ आपने प्रार्थना पत्र दिया? केवल गोपाल वाल्मीकि के जो मतलब पुत्र हैं, छोटू उनके खिलाफ। ये जो पुलिस प्रशासन ने एफआईआर की कॉपी जो दिखाई है उसमें धाराएं तो उन्होंने लगाई हुई है, मुलजिम के लिए दबिश भी डाली है, लेकिन क्योंकि वो बता रहे हैं कि फोर्स की व्यवस्था कम होने के कारण बार बार दबिश नहीं पड़ पा रही है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? अब ये लोग बताए क्या करेंगे, अब हम ये तो बड़े ये लोग ये जो है मोनू भैया हम हमारे भाई टावर पर चढ़े हुए हैं, आपके कौन है? जी हमारे भाई हैं। क्या नाम है इनका? अचल कुमार अवस्थी सभा सर। जो घटना हुई है उसकी वजह से आहत है ना, उसी वजह जी उसी वजह चढ़े जी। अचल अवस्थी नाम है सर, क्या घटना हुई है? यहाँ पे अचल अवस्थी जी टावर पे चढ़ गए हैं, उनके पिताजी को एक प्रकरण में किसी ने मारा पीटा था, उसमें अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की गई है, मेडिकल के लिए भेजा गया है और जो भी होगा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए, इनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, अचल अवस्थी का तो आरोप है कि कोई कार्रवाई ही नहीं पुलिस द्वारा की जा रही है। नहीं, कल ही अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और उसमें मेडिकल के लिए भेजा गया है, जो भी मेडिकल में विधिक कार्रवाई होगी उस आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर ऐसा क्या कारण है कि 2 घंटे वाला कि 2 दिन बाद जो है इनकी एफआईआर दर्ज हुई है? परसों का प्रकरण था और इसमें तहरीर मांगी गई थी, कल ये तहरीर लेके आए हैं, उसी तहरीर के आधार पे जो दिए थे तहरीर में पूरी धारा संबंधित धारा में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके परिवार का कहना है कि अगर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो हम भी आत्महत्या कर लेंगे। पूरी तरह से कार्रवाई निष्पक्षता के आधार पर की जा रही है, अगर कहीं आप लोग भी हैं, कहीं अगर कुछ लगता है कि नहीं पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है,
तो बताएं, उस आधार पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी जो विधिक कार्रवाई होगी।